Hello and welcome to the Blind Tech Gautam Prajapati YouTube channel. If you are a new viewer, please subscribe the channel and press the bell icon to all for latest technology videos. If you like this video, like it, share it, and if you have any question regarding technology, you can ask me in comment section. Thank you. सो फ्रेंड्स आ गए हैं हम एक और नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम बात करेंगे किसी भी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का टेक्स्ट अगर आपके पास है और आप इसे ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं एक एप्लीकेशन की मदद से। तो एप्लीकेशन का क्या नाम है और किस तरह किसी भी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स एप्लीकेशन का नाम है ऑडियोलैब। ऑडियोलैब को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत ही सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल है और एडिटिंग भी बहुत अच्छी करता है, रिकॉर्डर भी उसका बहुत अच्छा है और मतलब टेक्स्ट टू स्पीच जो है मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट भी वो बहुत ही अच्छी तरह से करता है। सो फ्रेंड्स पिछली बार मतलब कि हमने एक वीडियो भी बनाई थी हाउ टू कन्वर्ट ऑडियो टू वीडियो विदाउट इमेज, तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वीडियो को। और ये जो एप्लीकेशन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त गौतम प्रजापति। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ऑडियो लैब ओपन कर लेता हूँ। पेज 1 ऑफ 3 कैलकुलेट ऑटो टीटीएस ऑटो रिस्पांस ऑडियो लैब ऑडियो लैब आउट ऑफ पेजर ऑडियो लैब प्ले गेम्स। सो फ्रेंड्स ऑडियो लैब एप्लीकेशन अब ओपन हो चुका है। अब हमें उसमें टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो मैं ये ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ। स्प्लिट ऑन वॉइस चेंज ऐड एज वीडियो टेक्स्ट टू स्पीच कॉलम 1। सो फ्रेंड्स यही ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच, तो उस पर मैं डबल टैप करता हूँ। कंप्लीट एक्शन यूजिंग ऑटो टीटीएस कॉलम 1 एंड ग्रिड 1 रो 4 कॉलम्स। सो फ्रेंड्स टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर डबल टैप करने के बाद आपको मतलब कि TTS सिलेक्ट कर लेना है, तो फिर टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको सारे TTS दिखाई देंगे जो आपके फ़ोन में जो जो भी TTS इंस्टॉल्ड होंगे। सो मैं कोई भी TTS चूज कर लेता हूँ, तो मैं स्पीच सर्विसेज बाय गूगल को चूज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड TTS चूज करने के बाद TTS सिलेक्ट करने के बाद आपको लैंग्वेज और वॉइस सिलेक्ट करना रहेगा, तो मैं लैंग्वेज और वॉइस सिलेक्ट कर देता हूँ। तो लैंग्वेज में भी आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं और वॉइस भी आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। English open, English open parent the United States close parent 2 drop down list voice English open parent the United States close parent / English drop down list language। सो फ्रेंड्स अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है, तो मैं उसको चेंज करना नहीं चाहता। फिर वॉइस भी मेरा सिलेक्टेड है, English open parent, United States closed parent two, drop down list, voice. तो यहाँ से आप वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं उसे चेंज करना नहीं चाहता, तो मैं मतलब कि नहीं करता। फिर यहाँ से आपको पिच एडजस्ट कर लेना है, तो 50% पिच सी आर स्लाइडर। अभी 50% है तो मैं 20% कर लेता हूँ। 45% पिच सी आर स्लाइडर 20% पिच सी आर स्लाइडर जीरो स्पीड। फिर पिच एडजस्ट करने के बाद आपको स्पीड एडजस्ट करना है, 50% स्पीड सी आर स्लाइडर, तो वो भी 50 है तो मैं 20 कर लेता हूँ। 45% स्पीड सी आर स्लाइडर 25% स्पीड सी आर स्लाइडर 20% speed CR slider। सो फ्रेंड्स इसी तरह आपको मतलब कि सेटिंग कर लेना है, पहले TTS चूज कर लेना है, उसके बाद लैंग्वेज चूज कर लेना है, फिर वॉइस चूज कर लेना है, फिर पिच और स्पीड एडजस्ट कर लेना है,
और उसके बाद फिर आप टाइप add text and then play edit box info add text and then play edit box. तो यहाँ add text and then play ये बोल रहा है, तो उस पर double tap करके showing English open parent list close parent open parent qwerty close parent keyboard. सो फ्रेंड, जैसे ही आप एड टेक्स्ट एंड देन प्ले उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो आप फिर लिख सकते हैं. तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ voice input mode J H W E L O O M R U I R E D N friend deleted s s symbol keyboard showing space exclamation friend g showing English open parent list close parent open parent q w e r t y close parent keyboard g m h a o e w a a r r y o symbol showing question mark So friends, मैंने यहाँ टाइप कर दिया है. Editing. Hello friends. How are you? Edit box. Add text and then play. Text to speech. So friends, मैंने क्या टाइप किया है वो भी आपने सुन लिया होगा. Hello friends. How are you? तो अब उसे आगे जाके play भी कर सकते हैं. Save button. Click English. Editing. Hello friends. How are you? Edit box. Add text and then play. ये मैंने टाइप किया हुआ है. फिर आगे आपने कौन सी टीटी मतलब कि कौन सा टेक्स्ट टू स्पीच रखा है, कौन सा इंजन मतलब रखा है, मतलब कि कौन सा टीटीएस रखा है, कौन सी लैंग्वेज रखी है, फिर कौन सा वॉइस रखा है, ये सब कुछ मतलब कि शो करेगा. स्पीच सर्विसेज बाय गूगल ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पीच इंजन. तो मतलब कि मैंने यहाँ स्पीच सर्विसेज बाय गूगल रखा है, तो यहाँ से चेंज करना है तो कर सकता हूँ. इंग्लिश ओपन पेरेंट यूनाइटेड स्टेट्स क्लोज पेरेंट स्लैश इंग्लिश ओपन पेरेंट यूनाइटेड स्टेट्स क्लोज पेरेंट टू ड्रॉप डाउन लिस्ट वॉइस. ये वॉइस है. प्ले बटन. और यहाँ से मैं प्ले कर सकता हूँ, तो देखिए प्ले करके भी दिखा देता हूँ. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, है ना. तो इसी तरह मतलब कि ये प्ले भी होगा और आगे जाके सेव बटन फिर यहाँ सेव कर सकते हैं. जैसे कि मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ. कीबोर्ड हिडन ऑडियो नेम हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू अंडरस्कोर टीटीएस एडिट बॉक्स ऑडियो नेम. सो फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट आपने जो भी टाइप किया हुआ होगा उसका वो नाम ही यहाँ मतलब कि टाइप हो जाएगा. तो आप अगर मतलब कि नेम चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज करना, तो भी मतलब कर सकते हैं. तो अभी हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू अंडरस्कोर टीटीएस ये मतलब उस नाम से ये ऑडियो सेव होगा. तो मैं नाम मतलब कि चेंज करना नहीं चाहता. तो म्यूजिक ड्रॉप क्रिएट बट म्यूजिक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज एज. तो यहाँ मतलब आप म्यूजिक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज एज ऐसा है, तो आप अलार्म ये भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग एज यही रहने दीजिए. फिर यहाँ क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट क्रिएट हो जाएगा. और ये आपको फिर फाइल मैनेजर में मतलब कि अगर सैमसंग का फ़ोन है तो माई फाइल, या कोई और फ़ोन है तो फाइल मैनेजर में आपको इंटरनल स्टोरेज में ऑडियो लैब में ऑडियो टीटीएस फोल्डर में शो करेगा, दिखेगा. तो मैं क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ. सो फ्रेंड्स, यहाँ ये क्रिएट हो चुका Hello, है. फिर यहाँ से आप प्ले करके भी एक बार देख सकते हैं. Hello, friends. How are you? audiolab navigate up button so could not create playlist could not create playlist audiolab so friends ab hum home button one in my up messages my file mein jaake dekh page one of three apps script samsung folder and pager save hua hai ya nahi folder open apps gallery it my file sd card internal call as record audio underscore call audio_lab navigate up button. तो माई फाइल में जाके आपको फिर ऑडियो लैब में जाना है, इंटरनल स्टोरेज में जाना है, और उसके बाद ऑडियो लैब में जाना Search. है. Go to my file and audio_tts August 1st 11:56 a.m. with items. फिर आपको ऑडियो टीटीएस में जाना है. Audio internal audio under size descent and tutorial temp underscore hello friends how are you underscore tts.wav July 31st 11:02 p.m. 54.89 kb
सो फ्रेंड्स यही है जो हमने मतलब कि टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया था और मैंने आपको प्ले करके भी दिखाया था। तो आप यहां से भी अगर उसे मतलब ओपन कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो, तो सब कुछ कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो इसी तरह आप भी किसी भी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।